नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महेंद्राज यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का पसंदीदा शो द हिंदू एडिटोरियल्स अपडेट लाइव हो चुका है। आज है 17th of September, तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, द हिंदू एडिटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। एज यूजुअल आज के दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट की तरफ से होगी जो आप सब भेजते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे एनालिसिस रहेगा, ओवरव्यूज हैं, वोकैब्स, वन लाइनर्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आर्टिकल डिस्कशन, एक्स्ट्रा अपडेट्स विद मैप प्रैक्टिस आल्सो। आज मैप प्रैक्टिस 100% होगी, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कई बार ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जहां पर मैप प्रैक्टिस नहीं हो पाती, लेकिन आज इसराइल के ऊपर हम लोग मैप प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से फिलिस्तीन का धीरे धीरे जो अस्तित्व है वो मिटता गया और इसराइल ने अपना वर्चस्व वहां पर स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट है। टारगेट SSC भाई साहब का नाम तो नहीं लिखा है, बस नाम के नाम पर यही है। ये कहते हैं, जो पानी से नहाते हैं वह सिर्फ लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वह इतिहास बदलते हैं। टोटल 24 लाइक्स इनके ऐसे मोटिवेशनल कोट को मिले। बहुत ही बेहतरीन ये मोटिवेशनल कोट है। मेहनत करते रहिए, पसीना बहाते रहिए, यही वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके सपनों को साकार कर सकती है। बहुत ही बेहतरीन ये मोटिवेशनल कोट है। आप भी अपने मोटिवेशनल कोट को इंग्लिश चाहे हिंदी में हमें यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बार आपको याद दिला दें कि 17 सितंबर आज है और आज रात 12 बजे तक आपके लिए रेलवे का सफ़र जो ऑफर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये आज आपको रात 12 बजे तक ऑफर आपको मिल पाएगा, जिसमें स्पीड टेस्ट रेलवे के लिए 199, 6 महीने के लिए स्पीड टेस्ट 149। इसके अलावा रेलवे NTPC के स्पीड टेस्ट की बात करें, 99 के अमाउंट में आप परचेज कर सकते हैं और 499 में आप परचेज कर पाएंगे कंप्लीट वीडियो ग्रुप पैकेज फॉर रेलवे NTPC प्री एग्जामिनेशन। चलिए तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल से। फुल जूम कर दिया जाए यहाँ पर टेक्निकल टीम और थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट कर लिया जाए ब्राइटनेस के हिसाब से। वल्चर कल्चर, ये अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर आर्टिकल की, तो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में कल के दिया गया था। द हिंदू न्यूज़पेपर कल के सेक्शन में आर्टिकल दिया हुआ था और इसमें क्या बात की गई जरा हम लोग समझ सकते हैं। हाउ द बर्ड वॉज सेव फ्रॉम द एक्सटिंक्शन, यानी कि यहां पर उन्हें लुप्त होने से बचाने की बात की जा रही है। गिद्ध यानी कि वल्चर के ऊपर यह पर्टिकुलर आर्टिकल यहां पर दिया गया है। In the late 1990s, when the population of the vultures in the country had begun to decline sharply, one white-backed vulture was rescued from the Keola Deo National Park in Rajasthan, where vultures are dying at an alarming rate. यहाँ पर ये कहा गया है कि अभी एक वल्चर को केला देव नेशनल पार्क में, जानना चाहूंगा कि केला देव नेशनल पार्क भारत के राजस्थान राज्य में लोकेटेड है। यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण भी है, बर्ड सेंचुरी भी है, उसे किस नाम से जाना जाता है? बर्ड सेंचुरी है जो यहाँ पर, उसे किस नाम से जाना जाता है टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। केवला देव नेशनल पार्क के पास ही आपकी एक बर्ड सेंचुरी भी लोकेटेड है राजस्थान में। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 1990s के दौर के आसपास अगर हम लोग देखें तो भारत में करीब करीब 40 मिलियन के आसपास, 40 मिलियन के आसपास वल्चर हुआ करते थे। 40 मिलियन का मतलब यहां पर आप समझ रहे हैं मेरी बात, 1 मिलियन होता है आपका 10 लाख के बराबर, तो आप समझ गए होंगे 40 मिलियन से भी ज्यादा वल्चर्स भारत में हुआ करते थे। लेकिन अगर हम लोग देखें एक स्टडी के अनुसार, 2009 में एक स्टडी आपकी आई थी जिसमें वल्चर की पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया गया था, जिसमें यह दिखाया गया था कि 2009 के आसपास 1000 से लेकर 1200 के आसपास ही इंडियन वल्चर यानी कि भारतीय गिद्ध अब आपके बाकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 40 मिलियन वल्चर 1990s के दौर में और मात्र 1000 से 1200 वल्चर आपके बच्चे हैं 2009 के आसपास, तो इतना शार्प डिक्लाइन कैसे आया है? द स्टडी वॉज कॉज ऑफ द डेथ्स ऑफ द वल्चर, अ वल्चर केयर सेंटर VCC वॉज सेटअप इन पिंजौर हरियाणा। एक वल्चर केयर सेंटर भी हरियाणा के पिंजौर में ओपन किया गया है ताकि वल्चर्स की डेथ का कारण का पता भी लगाया जा सके और उनको बचाया जा सके। इसके बाद एक बात मैं आपको बताता हूं, एक ड्रग है जो कि हम लोग दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कई बार जानवरों की बॉडी में भी वो पाया जाता है। कुल मिलाकर एक स्टडी में फाउंड जरूर हुआ है कि 1990 में वल्चर्स की संख्या 40 मिलियन से भी ज़्यादा और 2009 में 1000 से 1200 के आसपास ही वल्चर बचे हैं। इसके पीछे जब स्टडी की गई, रिसर्च की गई, तो ये मालूम चला कि इसके पीछे पॉइजनस बॉडी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वल्चर यानी कि गिद्ध एक तरह से नेचुरल सफाई कर्मी हैं हमारे, जो डेड बॉडीज़ हो जाती हैं खेतों में या बीहड़ में पड़ी होती हैं, केवल गिद्ध ही ऐसे होते हैं जो उन बॉडीज़ को नोच नोच कर खाते हैं और उन्हें उनका सफाचट कर देते हैं, हम कुछ ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि वल्चर्स की संख्या में जो ये इतनी शार्प डिक्लाइन आपको देखने को मिला है, इसका एक बड़ा कारण है कि हमारे और आपके द्वारा
जो खाना या जो भोजन लिया जाता है, जो दवाइयां ली जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी पॉइजनस होती है और ये नेचुरल फॉर्म में गिद्ध अपने शरीर में ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी यहाँ पर डेथ, एक ये कारण यहाँ पर निकल कर आया है। आप देख सकते हैं 40 मिलियन 1980 के दशक के आसपास और फ्यू थाउजेंड, कुछ हजार ही बचे थे 2009 में वल्चर्स, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया है। तो गिद्धों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसी पर ध्यान केंद्रित हमारा कराता है। अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो सर्वे ऑफ इंडिया टू डिप्लॉय 300 ड्रोन्स फॉर मैपिंग द कंट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक नए तरीके का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत की नई मैपिंग के लिए, जो कि यहां पर आपको दिया गया है। इंडियाज ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट द सर्वे ऑफ इंडिया हिस्टोरिकली टास्क्ड विद मैपिंग द कंट्री विल फॉर द फर्स्ट टाइम रिलाय ऑन द ड्रोन्स फॉर द मैपिंग द कंट्री, यानी कि 300 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा भारत के मैप को बनाने में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ये बात यहां पर कही गई है। साथ ही साथ यहां पर ये लिखा हुआ है अदर देन दी अनप्रेसिडेंट डिटेल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मैपिंग विल बी क्रिएटिंग हाई रेजोल्यूशन मैप ऑफ लैंड इन विलेजेस फैसिलिटेटिंग द डिग्रेशन ऑफ द लैंड टाइटल्स इन विलेजेस अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल इन्वॉल्व इन द सर्वे। इसमें यह भी कहा गया है कि इन ड्रोन्स के माध्यम से बहुत ही क्लोज और बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाली जो तस्वीरें हैं वो गाँव की और उनका मैप बनाने का, या गाँव का जो मैप होगा, जो फील्ड्स का मैप होगा, ऐसी फील्ड, ऐसी जमीनें जो डिग्रेडेड हो चुकी हैं, मतलब बंजर हो चुकी हैं, पहले उन्हें कृषि भूमि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था लेकिन समय के साथ वो बंजर हो चुकी हैं और अब वह कृषि के लायक नहीं रही, एग्रीकल्चर के लायक नहीं रही, तो वहां पर भी उनका एक क्लोज व्यू देखा जा सकेगा और ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि आखिर यहां पर हुआ क्या है। करंटली द बेस्ट SOI मैप हैव अ रेजोल्यूशन ऑफ 1:20,250,000, मीनिंग ये है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट दी 2500 सेंटीमीटर ऑफ द ग्राउंड, यानी कि जब मैप तैयार हो जाएगा तो उस मैप के अनुसार 1 सेंटीमीटर की जो दूरी होगी उस मैप में। कई बार आप लोग देखते होंगे जब आप मैप देखते हैं तो मैप के नीचे आपका एक स्केल बना होता है और स्केल में लिखा होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, और ये भी दर्शाता है कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पर 1,00,000 किलोमीटर को दर्शा रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर को 1,00,000 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में समाहित करके उस मैप को तैयार किया गया है। लेकिन यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आपके 2500 सेंटीमीटर जमीनी एरिया को दर्शाएगा, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन और क्लोज ओवरव्यू आपको उस पर्टिकुलर मैप से मिल सकता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रेजोल्यूशन के साथ आएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर का जो रेजोल्यूशन होगा, यानी कि उसकी जो क्लियरिटी होगी वो लगभग 500 सेंटीमीटर के आसपास होगी, यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 500 सेंटीमीटर की जमीन को अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि हाल ही में किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत की मैपिंग के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा और भारत का एक मैप तैयार किया जाएगा, तो 300 ड्रोन के माध्यम से सर्वे ऑफ इंडिया भारत की मैपिंग करेगा। टोटल यहां पर यह भी कहा गया है खर्चा कितना बन सकता है, तो लगभग 400 से 500 करोड़ तक का इसमें खर्चा आ सकता है। तो बस इतना पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है कि सर्वे ऑफ इंडिया अब मैप के माध्यम से इसका पूरा मैपिंग करने वाला है ड्रोन्स के माध्यम से। यहां तक सारी बातें क्लियर होती चल रही हूं तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा, हां सर आपका एक्सप्लेनेशन हमारे कानों तक पहुंच रहा है और दिमाग में बैठ रहा है। अब बात करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के आज के एडिटोरियल सेक्शन की, और द हिंदू न्यूज़पेपर के आज के एडिटोरियल में पहला जो एडिटोरियल है वो आप सभी के सामने ये रहा। आज का पहला आर्टिकल जिस चीज के बारे में है, उस चीज के बारे में वी नीड टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन स्टूडेंट्स, वी ऑल विल बी पेइंग अटमोस्ट अटेंशन हियर। देखो, अनडिजायरेबल एंड डिविसिव, पहले तो ये चीज अनडिजायरेबल है, दूसरी चीज ये डिविजिव है, मतलब इससे डिविजन होने के चांसेस हैं। प्रोमोटिंग ग्रेटर यूज ऑफ हिंदी इज फाइन, वैसे तो कहा जा रहा है कि अगर आप हिंदी को प्रमोट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही है, बट द लैंग्वेज ऑफ होमोजेनाइजेशन इज बेस्ट अवॉइडेड, लेकिन एक ऐसा लैंग्वेज जो होमोजेनाइज कर देगा हमारे पूरे नेशन को, बेहतर है कि हम इसे अवॉइड करें। बेसिकली ये जो आपका आर्टिकल है ये रिसेंटली अमित शाह जी के एक रिमार्क पर हुआ है कि हिंदी को हमें अटमोस्ट प्रायोरिटी देना चाहिए हमारे नेशन में, इसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। इसमें क्लेम्स भी दिए गए हैं, ग्लोबल आइडेंटिटी बढ़ाने की बातें भी की गई हैं, और मुद्दे पर यह भी कहा गया है कि उन स्टेट्स का क्या जो हिंदी नहीं बोल सकते या जहां हिंदी सिखाने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा मैम ने यहां पर। मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे देश की संविधान सभा ने सितंबर 14, 1949 के दिन सबसे पहले हिंदी को एक
नेशनल लैंग्वेज के तौर पर स्टेटस दिया था, लेकिन आगे चल के 1953 के कानून के तहत इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर एक अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अगर केंद्र सरकार है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्य सरकार है, अगर कोई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जहां पर हिंदी भाषा का इस्तेमाल ना के बराबर होता है या हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वह राज्य आपके केंद्र से किस तरह से पत्राचार करेगा, किस तरह से कम्युनिकेशन करेगा, तो वहां पर वह स्टेट पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है केंद्र के साथ कम्युनिकेशन करने में। लेकिन मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था, आर्टिकल नंबर 351, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हिंदी को डेवलप करने की जो जिम्मेदारी है, हिंदी भाषा का जो विकास है वह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और हिंदी भाषा के विकास में दूसरी भाषाएं भी अपना सहयोग दे सकती हैं। कल हमने इस पर डिटेल में डिस्कशन किया था, आपको याद होगा जो मैंने आपको बताया था, एक बार इसे लिखकर बताइएगा। जी हाँ सर, कल बिल्कुल कंप्लीट डिटेल डिस्कशन आपने हमारे साथ किया था, तो आज का आर्टिकल भी इसी के ऊपर है, क्योंकि मोस्टली जो आपके साउथ स्टेट से यानी कि दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं उन्होंने इसके खिलाफ बगावत, या यूं कहें कि उनके विद्रोही स्वर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो साउथ के स्टेट्स हैं वो हिंदी भाषी नहीं है और वो नहीं चाहते कि हिंदी को अगर एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पर प्रमोट किया जाएगा तो उनकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं या स्टेट लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में उनकी थोड़ी सी चिंताएं हैं। तो इसमें एक अच्छी खासी डिबेट की जा सकती है। करेक्ट, और उसी के आधार पर ये आर्टिकल यहां पर लिखा गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी आज का आपके डेटा और स्टैटिस्टिक्स पॉइंट पे है, द स्लो क्लाइंब टू द ट्रिलियन इकोनॉमी पीक। हम जिस तरह से बढ़ रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ, ये क्लाइंब बहुत स्लो है, और हम वहां पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे इस पे यहाँ पे मेन मुद्दा यही खत्म हो जा रहा है। There has to be focus on human capital formation. यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने अपनी तरफ से इनपुट्स दिए हैं और कहा है कि हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ से एंड इन एड्रेसिंग द रियल reasons फॉर द इकोनॉमिक स्लो डाउन। और यहाँ ऑथर अपनी तरफ से खुद ब खुद कह रहे हैं कि हमें कौन कौन से फैक्टर्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है ये समझने के लिए कि आखिर ये इकोनॉमिक स्लो डाउन आया क्यों, जहाँ पे एग्रीकल्चर को मुद्दा बनाया गया है, आप लोगों के एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को मुद्दा बनाया गया है, पॉपुलेशन को मुद्दा बनाया गया है, और रिसेंट में गवर्नमेंट ने 5 सालों में कितने रिफॉर्म्स लाए हैं हमारे नेशन के लिए उन्हें मुद्दा बनाया गया है। इन सारी चीज़ों के ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल बेस्ड है, इसे रीड करना ज़रूर ज़रूर करें। बिल्कुल, आप सभी को याद होगा कि इंडिपेंडेंस डे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्सप्रेस किया था कॉन्फिडेंस, ये भरोसा दिलाया था दैट इंडिया वुड बी अ 5 ट्रिलियन $ इकॉनमी इन 2024, यानी कि 2024 तक भारत 5 ट्रिलियन $ की इकॉनमी बन सकता है, अ लाइन दैट हैज बीन पिक्ड बाय द रूलिंग पार्टीज लीडर मिनिस्टर एंड ऑल्सो द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो बिल्कुल इस पर तंज भी कसा गया, इस पर हंसी मजाक भी हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें शामिल की गई हैं। हाल ही रेशियो की अगर मैं बात करें तो मैंने आपको बताया था कि भारत की अभी जो क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ है वो घटकर 5% तक आ चुकी है, और आरबीआई गवर्नर ने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था कि ये जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5% पर आ जाएगी। तो हाल ही में जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हमारी इकोनॉमी देख रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जो डाउनफॉल आपका चल रहा है उसको देखते हुए, क्या इकोनॉमी को 2024 तक 5 ट्रिलियन $ तक ले जाया जा सकता है, इस पर बिल्कुल सवालिया निशान है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं द स्टोरी ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर, द लिटरेसी रेट हैज ग्रोन वेरी स्लोली एंड अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इंडियाज लिटरेसी वॉज 71.1। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि यूएन के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है यानी कि लिटरेसी रेट है वो कितने परसेंट है, वह है 71.1% इन 2015, यानी कि 2015 में। इंडिया इज नाउ फार बिहाइंड मैनी अफ्रीकन कंट्रीज सच एज दी रुआंडा, मोरक्को, कॉन्गो इन टर्म्स ऑफ द लिटरेसी। यानी कि अगर हम साक्षरता की बात करते हैं, लिटरेसी की बात करते हैं, तो हम रुआंडा, मोरक्को, कॉन्गो जैसे अफ्रीकन कंट्री से भी पीछे हैं अगर हम यूएन के साक्षरता दर की बात करें। इसके साथ ही साथ यहां पर बात की गई है चिल्ड्रेंस की हेल्थ की। अकॉर्डिंग टू द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018, अबाउट 70-74% चिल्ड्रेन जिनकी एज ग्रुप है 6 से लेकर 14 साल के बीच में गो टू द जीडीपी ऑन हेल्थ। यानी कि अगर हम बात करें जीडीपी की, और जीडीपी में हेल्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनका रेशियो भी काफ़ी कम है यहाँ पर, और भारत लिटरेसी के लेवल पर, हेल्थ के लेवल पर भी पिछड़ा हुआ है। तो फिर अगर हम बात करें
देश की जीडीपी की, तो ये सब पिलर्स हैं, यानी कि देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए साक्षरता की भी जरूरत है, लिटरेसी की भी जरूरत है, लेकिन जब ये पिलर्स कमजोर हैं तो फिर आपके लिए बेमानी होगा अगर आप ये सोचते हैं कि भारत जल्द ही $5 trillion की इकोनॉमी बनेगा, यानी कि बहुत सारे सुधारों की यहाँ पर जरूरत है। सेक्टर्स की भी बात की गई है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, आप चाहें तो इस आर्टिकल को एक बार यहाँ पर रीड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात करें तो यह भी आज क्राइसिस से आपका जूझ रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं किसानों को उतना प्राइस नहीं मिलता उनके प्रोडक्शन के लिए जितना वो उम्मीद करते हैं, लागत ज़्यादा है जबकि मुनाफा उनको काफ़ी कम हो रहा है। एग्रेरियन डिस्ट्रेस यानी कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो गुस्सा है, किसान आत्महत्या करें, यानी कि इन सारे सेक्टर्स के वीक होने के बाद हम कैसे उम्मीद करें कि इकोनॉमी आपकी चरम पर पहुँच सकती है, सवाल उठाता हुआ ये आर्टिकल है, आप चाहे तो इसे एक बार रीड कर सकते हैं। Correct. अगला आर्टिकल, द नेक्स्ट इज अवॉइडेबल बोट ट्रेजेडी, एक और मतलब हमारे यहाँ पे इस साल लग रहा है ट्रेजेडीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कुछ समय पहले होर्डिंग्स को लेकर एक आर्टिकल आया था जहाँ पे एक फीमेल की डेथ हो गई थी, 24-year-old गर्ल डाइड बिकॉज ऑफ दैट ट्रेजेडी। और एक और ट्रेजेडी अभी आई है यहाँ पे, जहाँ पे आंध्र प्रदेश में कुछ लोग एक रिवर फ्रंट के सामने थे और वहां पर उनकी बोट अपसाइड डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ और अभी भी कुछ लोग मिसिंग पाए जा रहे हैं। As past lessons remain unlearned, हम जैसे कि देख रहे हैं कि past के lessons से हमने कुछ भी नहीं सीखा है। Man-made tragedies recur with alarming regularity, और ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि river का बहाव बहुत तेज था, या फिर इस आर्टिकल में ये भी क्लियरली कहा गया है कि ये जो ट्रेजेडी हुई है कम्प्लीटली मैनमेड थी, क्योंकि वहाँ पे मौजूद जितने लोग थे उनमें से बहुत सारे लोगों से कहा गया कि आप अपनी जैकेट उतार सकते हैं अगर आपको गर्मी लग रही है, तो लाइफ जैकेट जो पहनाए जाते हैं उन्हें भी उतारने को कहा गया। ये पूरा आर्टिकल इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर फोकस कर रहा है, जहाँ पर ये क्लियरली कहा जा रहा है कि किस तरीके से हम अपनी ही गलतियों से ऐसी ट्रेजेडीज का शिकार बन रहे हैं। बिल्कुल साफ साफ बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर मैम ने, यहाँ पर कौन डालू नाम थोड़ा अजीब है इसलिए मुझे लगा कि इसे मुझे लिख देना चाहिए। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश, करीब करीब 70 टूरिस्ट एक बोट पर होते हैं, बोट डूब जाती है, 37 अभी भी मिसिंग चल रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जैसे मैम ने बताया कि एक मैन मेड ट्रेजेडी है, क्योंकि यहाँ बिना किसी परमिशन के बोट के माध्यम से ये लोग रिवर में वहाँ पर दाखिल हुए थे और ये लोग देखना चाहते थे किसके बारे में, एक आइकॉनिक ब्यूटी या यूँ कहें सीनिक ब्यूटी देखना चाहते थे, पापी कोंडालू जो एक एरिया है उस नदी के किनारे, उसको देखने के लिए वहाँ पर बिना किसी परमिशन के पहुँचे और नाव पलट जाती है। और टूरिस्ट की बात करें 70 टूरिस्ट वहाँ पर थे और सभी के सभी यहाँ पर नदी में गिर जाते हैं, कुछ लोगों को बचाया गया है, कुछ लोगों की डेथ हो गई है और 37 के आसपास अभी भी मिसिंग चल रहे हैं। तो ये एक मैन मेड ट्रेजेडी है और बार बार ऐसी गलतियां होती हैं, लोग फिर भी गलतियों से नहीं सीखते और ना ही हमारी अथॉरिटीज और रेगुलेटिंग अथॉरिटीज इससे सीखती हैं, इसके बारे में ये आर्टिकल आपका लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। द नेक्स्ट आर्टिकल इज इजराइल पाकिस्तान टाइज अ ब्रिज टू फार, ये आर्टिकल इजराइल और पाकिस्तान की टाइज के बारे में है और इसके ब्रिज की बात की जा रही है, मतलब बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट जॉइनिंग देम। इस्लामाबाद वुड डाइल्यूट इट्स इस्लामिक क्रेडेंशियल्स If it were to establish diplomatic ties with Tel Aviv, let's proceed. ये होगा आज का हमारा आर्टिकल ऑफ द डे, जो कि आप सभी जानते हैं आर्टिकल ऑफ द डे, ओहो डे को मैंने डैड लिख दिया कोई बात नहीं, शायद पापा जी की याद आ रही होगी। आर्टिकल ऑफ द डे की मैं बात करता हूं तो इसराइल और पाकिस्तान, हम सभी जानते हैं कि भारत के कितने अच्छे संबंध हैं इसराइल के साथ, लेकिन अब हाल ही में इसराइल और पाकिस्तान के टाई अप भी और बेहतर हो रहे हैं और ये टाई अप से ये समझौते ये दोस्ती कहां तक पहुंचेगी ये तो वक्त बताएगा। तो आर्टिकल ऑफ द डे होगा जिसमें भारत इसराइल पर भी बात की गई है, इसराइल पाकिस्तान पर भी बात की गई है, एक ट्रायंगल है और कूटनीति के लिहाज से आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, करेंगे डिटेल में डिस्कशन अपने सेशन के दौरान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। द डेब्यूट ऑफ पेरियार थ्रू अ स्टोरी, हम एक डेब्यू दे रहे हैं पेरियार को, वो भी एक कहानी के फॉर्म में। द मोनिकर वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर द रिफॉर्मर, ये पहला वर्ड पहली बार रिफॉर्मर के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी हम इस साल ऑब्जर्व कर रहे हैं इन 1934। अब बिल्कुल सही कहा है, आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। और पेरियार जी अगर हम बात करें साउथ इंडिया में रिफॉर्मर्स में सबसे आगे रहे हैं, ठीक है आप सभी जानते ही हैं, और जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है, स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है, तो पेरियार जी साउथ इंडिया से वहाँ पर लोगों को एकजुट करने में कामयाब रहे और उन्हीं को यहाँ पर ट्रिब्यूट देते हुए, उन्हीं को याद करते हुए ये आर्टिकल पूरा यहाँ पर लिखा गया है। आप चाहें तो इस हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को एक बार रीड कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज
द प्रिवेंटेबल बंगाल फेमिन, एक ऐसा फेमिन जिसे रोका जा सकता था, जिसे बचाया जा सकता था। अब आप सोच सकते हैं कि इस आर्टिकल ने कितने सवाल खड़े कर दिए सिर्फ अपने टाइटल से। देखो, द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन मेड एफर्ट्स, कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने वैसे तो एफर्ट्स बनाए थे टू क्रिएट रिकॉर्ड्स रादर दैन टेक रेजोल्यूट एक्शन। उन्होंने काम किया लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड बनाने तक, कोई रेजोल्यूट एक्शन नहीं लिए गए। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर। बंगाल फेमाइन की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होगा इतिहास में ये काला अध्याय है कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत बंगाल में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, जहाँ पर लाखों लोगों की मौत मात्र भूख और भुखमरी से हुई थी, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री को उठाते हुए इस मुद्दे को डिस्कस किया गया है, जैसे कि ये लिखा है कि 20वीं सेंचुरी के अर्ध दशक में हम देख सकते हैं, सबको याद है कि कंट्रीज डिवास्टेटिंग बाय दी जर्मन, जर्मनी के द्वारा जिन कंट्रियों को तहस नहस कर दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जैसे कि पोलैंड कंट्री थी, ग्रीस कंट्री थी, आर बिकमिंग मोर स्ट्रिडेंट इन देयर डिमांड फॉर मैसिव कंपनसेशन बाय दी जर्मनी। बाद में उन्हें जर्मनी के द्वारा क्षतिपूर्ति दी गई, जर्मनी के द्वारा उन्हें सपोर्ट किया गया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया। उसी तरह अगर हम लोग बात करें, बिहाइंड ऑन गोइंग स्पेड बिटवीन द कोरियंस एंड द जापानीज इन द जापान्स रिफ्यूजल टू एक्ट ऑन द ह्यूमैनिटेरियंस इन इन्फ्लिक्टेड इन द कोरियन पीपल थ्रू द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। अगर हम बात करें जब उन दोनों के बीच में, कोरियन कंट्रीज और जापानीज कंट्रीज के बीच में भी कंफ्लिक्ट हुआ था, तो वहां पर भी यह चीज देखने को मिले थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1943 लॉर्ड लिलिथगो की भी बात की गई है, और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि जब बंगाल में फेमाइन आया था उसका सबसे बड़ा कारण ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन आज तक कभी भी ब्रिटेन ने कोई कंपनसेशन, कोई क्षतिपूर्ति और कोई भी माफी इस बड़े कृत्य के लिए नहीं मांगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब बंगाल में फेमाइन चल रहा था तब भारत के दूसरे हिस्सों में अंग्रेज आसानी से अपने काम कर रहे थे, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि बंगाल के लोग मरे, क्योंकि ये उनका देश नहीं था। लेकिन जब अपने इंटरेस्ट की बात थी तो बिल्कुल शोषण करने से नहीं चूकते थे। तो बंगाल फेमाइन के ऊपर सवाल लेकर, कुछ इंसिडेंट्स को लेकर एक काफी बेहतरीन ये आर्टिकल यहां पर लिखा गया है, आप चाहे तो इसे एक बार रीड कर सकते हैं। कार्टून सेक्शन आज थोड़ा सा तंज कसा गया है यहां पर, और लिखा गया है, एक जगह अमित शाह जी हैं, दूसरी जगह नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं चाहूंगा इस आर्टिकल को आज मैडम एक्सप्लेन, इस कार्टून को आज मैडम एक्सप्लेन करके हमें बताएं। चलिए, आर्टिकल में आज आपको चार हिस्से दिख रहे हैं। पहला हिस्सा में कहा गया है कि सर गो बैक को आप क्या बोलते हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं वो तमिलनाडु या फिर साउथ के लोग हैं, आप उनके कपड़ों से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा पीछे मुड़, दे आर फॉलोइंग इन लाइन। अब उन्हें लगा कि तीसरे आर्टिकल में लग रहा है कि वो आपस में एक दूसरे को बात करके कह रहे वो तो एक दूसरे के साथ लाइन में जुड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आया कि ये सेम लाइन वो सारे लोग उनके लिए दोहरा रहे हैं। एंड दे आर स्टिल होल्डिंग द बैनर, और कह रहे हैं भैया आप हिंदी सीखो, और ये कह रहे हैं यहाँ से जाइए। और रात में लिखा भी हुआ है मोदी जी के दिमाग में, रेदर क्विक लर्नर्स, क्या ये जल्दी सीखेंगे या नहीं, या नहीं ये जल्दी सीख गए, इन्होंने हमें मोड़ दिया पीछे, हमें पीछे मोड़ दिया। बहुत बेहतरीन। तो ये दो शब्द तो तुरंत सीख गए हैं। और हिंदी को लेकर जो डिबेट है, क्या उसे एक राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए, नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, उस पर डिबेट किया गया है, और उसी पर ये कार्टून यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। डेटा पॉइंट की भी अगर हम लोग बात करते हैं, तो वन लैंग्वेज मैनी टंग्स की अगर हम लोग बात करें, काफी अच्छा ये टाइटल है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बोली एक चाहिए है लेकिन भाषाएं बोलने वाले अनेक टंग्स हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिए, मैम ने भी अब बोल दिया है तो भैया रखना तो बनता है। अ लैंग्वेज इज एन अम्ब्रेला टर्म विच कंटेन्स मैनी मदर टंग्स, आप सभी जानते हैं। 43% ऑफ इंडियन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, याद रखिएगा 43% भारतीय हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। विच इंक्लूड्स मैनी मदर टंग्स सच एज दी भोजपुरी, राजस्थानी हिंदी, यानी कि हिंदी से संबंधित जो बोलियां हैं, भोजपुरी है, राजस्थानी, उसमें हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। क्लोज टू 40% ऑफ द हिंदी लैंग्वेज स्पीकर्स स्पीक मदर टंग्स देन अदर हिंदी, हिंदी के अलावा दूसरी जो टंग्स की बात की गई है वो यहाँ पर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर स्टेट वाइज यहाँ पर डिवाइडेशन की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कौन सा राज्य कितने प्रतिशत हिंदी बोलता है। जैसे कि यूपी, आप देख सकते हैं 94.1% यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो हिंदी का इस्तेमाल करती है। द मैप shows the share of the state population who speak Hindi language, which includes many mother tongues as on 2011 census. The share of Hindi language speakers
हाईएस्ट उत्तर प्रदेश एंड लोएस्ट इन कर्नाटका, यानी कि सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाली जो पॉपुलेशन है वह उत्तर प्रदेश स्टेट में है, जबकि सबसे कम है वह केरला राज्य में है, मात्र 0.16%, तमिलनाडु में है 0.55%, एज यूजुअल, बिल्कुल ऑब्वियस है क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स आपकी अपनी जो राजकीय भाषा है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हरियाणवी कितने हैं, छत्तीसगढ़ी कितने हैं, राजस्थान के लोग कितने हैं, बिहार में कितने हैं, मध्य प्रदेश, सबको यहाँ पर एज अ परसेंटेज बताया गया है। एक बार इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उस पर एक बार रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, एक बार इसको पूरी अच्छी तरह से रीड जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल विजिबल है आपको, पीडीएफ में भी ये विजिबल ही नजर आएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथ ही साथ सेकंड यहां पर दिया गया है मदर टंग विद द हिंदी लैंग्वेज। अगर हम यहां पर बात करें शेयर ऑफ स्पीकर्स, अगर हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो 60% से भी ज्यादा लोग पूरे भारत में हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर पर अगर हम बोली की बात करते हैं तो बोली में सेकंड नंबर पर आपकी आती है भोजपुरी, तीसरे नंबर पर आती है राजस्थानी, चौथे नंबर पर आती है छत्तीसगढ़ी। इसके अलावा आप देख सकते हैं बाकी राज्यों का प्रतिशत काफी नीचे है, अदर लैंग्वेजेस भी आपकी यहां पर दर्शाई गई हैं। द हिंदी लैंग्वेज हैज 56 मदर टंग लिस्टेड अंडर इट, द टेबल लिस्ट 10 ऑफ दोज मदर टंग्स विच आर वाइडली स्पोकन। यहां पर बात उनकी की गई है, उन मदर टंग्स की गई है जो हिंदी भाषा का इस्तेमाल करती हैं, उन बोलियों की बात की गई है जिसमें हिंदी का इस्तेमाल होता है। और इस चार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिखा था चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ इंडियंस हु स्पीक डिफरेंट मदर लैंग्वेजेस अंडर द हिंदी लैंग्वेज एंड द परसेंटेज हुज मदर टंग्स आर लिस्टेड अंडर द 22nd शेड्यूल लैंग्वेज। आप सभी जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के लिए बात की गई है, तो आप यहां पर देख सकते हैं 15 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़, 15 करोड़ और 40 करोड़, ये एक तरफ से बना हुआ है। और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सबको यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट कर दिया गया है, नेपाली है, छत्तीसगढ़ी है, भोजपुरी है, हिंदी है और बंगाली है। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ये कंप्लीट यहाँ पर डिस्कशन किया गया है हिंदी का, बिल्कुल एक तरह से पोस्टमार्टम कर दिया है, और सारी इंपॉर्टेंट जो डेटा और फैक्ट्स एंड फिगर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद रखने और इसको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने वोकैबुलरी सेक्शन की तरफ और फिर आएंगे अपने आर्टिकल डिस्कशन पर। आज आर्टिकल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए हैं, चाहे वो आपके डेटा पॉइंट को लेकर हो, चाहे वो आप लोगों के अलग अलग कंट्री के मुद्दों पर हो। सर की एक्सप्लेनेशन वैसे काफ़ी जहर एक्सप्लेनेशन थी आज, और आप लोगों को भी अगर ये पसंद आई है तो अपना समर्थन दिखाइएगा जरूर विद जस्ट अ लाइक एंड अ शेयर। चलिए वोकैबुलरी में आज बहुत सारे लोगों के वर्ड्स फिर से आए हैं। अब जो हमारा एक लिटरली आप लोगों ने एक बुक हमारी मेंटेन करवा दी है, वेरी नाइस। आर्यन जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि मैम एंसिलरीज का मतलब क्या होता है। आर्यन जी, एंसिलरीज का मीनिंग होता है टू प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट, जब आप किसी को जरूरत के अनुसार सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, नेसेसरी सपोर्ट उसे हम कहते हैं आपका एंसिलरी। इसके बाद अभिषेक जी ने पूछा है, अभिषेक जी ने वर्ड पूछा है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो वैसे वर्ड हमने एक बार पढ़ाया था सर, इनकॉग्निटो का मतलब होता है जब आप अपनी रियल आइडेंटिटी को हाइड करते हैं, ठीक है, जब आप अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा कर रखते हैं उसे हम इनकॉग्निटो कहते हैं। सो बेसिकली वेर यू आर हाइडिंग योर आइडेंटिटी वी कॉल इट योर इनकॉग्निटो। इसके बाद मोहिनी जी ने कहा है मैम सैनिटेशन का मतलब क्या होता है। मोहिनी जी, वेरी सिंपल, सैनिटेशन का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि आप किसी चीज के माध्यम से सफाई रख रहे हैं, बस इतना। हर्ष जी ने वर्ड पूछा है सिलेबल, वैसे हर्ष जी ये है इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हम आपको जरूर बताना चाहेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा है। सिलेबल का मतलब होता है देखो ये एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा वर्ड होता है या फिर पार्ट ऑफ अ वर्ड होता है या फिर किसी वर्ड का एक हिस्सा होता है, याद रखना वर्ड और पार्ट ऑफ द वर्ड होता है जिसमें कोई वॉवल साउंड होता है, ठीक है, इसमें कोई वॉवल साउंड होता है। वैसे आपका जो क्वेश्चन है इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इंग्लिश, बट हम आपको कुछ मीनिंग दे देते हैं। जहां पे आपको स्वर कहते हैं ना, वॉवल का स्वर आए, ध्वनि आए, स्वर, उसी हम सिलेबल कहते हैं। जैसे बटन वर्ड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मैट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इंजन बोल लो, जहां पे कई बार आप वॉवल्स पे स्ट्रेस दे सकते हो, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आपका सिलेबल वर्ड कहते हैं। इसके अलावा भी एक वर्ड आया था जब सर आर्टिकल करा रहे थे, बीविचिंग। बीविचिंग वर्ड का मतलब होता है
बीविचिंग का मतलब होता है एक ऐसा नजारा जो आपको मंत्रमुग्ध कर दे, समझ में आया? हाँ जी, जिसके अंदर वर्ड, जिसके अंदर एक वोवल साउंड होता है, साउंड ऑफ अ वर्ड होता है। वेरी गुड विभेश, वेरी नाइस, समझ में आया। तो ये होता है आप लोगों के सारे वर्ड जो आज आप लोगों ने अभी तक हमसे पूछे। अब हम बढ़ते हैं आज के वोकैबुलरी सेक्शन की तरफ, जहां पे आप लोगों को आज बहुत सारे हिंदी में नए वर्ड्स मिलेंगे। सेशन को बैठे बैठे शेयर भी करते चले जाइए, बस एक शेयर बटन पे क्लिक करना है, शेयर करते जाइए और लाइक करते जाइए और एंजॉय करते जाइए, पढ़ते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट वर्ड की तरफ, कस्टमरी। कस्टमरी वैसे तो मतलब होता है कोई प्रथा, किसी भी प्रथा को या किसी भी प्रथा के अंतर्गत कोई चीज अगर रेगुलर हो रही है तो उसे हम कहते हैं कस्टमरी। यस राजनंदिनी जी, आपने बिविचिंग वर्ड पूछा था, आई रिमेम्बर। चलिए अब देखो, इसका दो मीनिंग निकलता है। एक तो कस्टमरी सूट होता है, जैसे कस्टम मेड जिसे हम कहते हैं, राइट, मतलब ये हमारे ही लिए बना है क्योंकि ये कोई और पहन नहीं सकता, है ना। तो कस्टम मेड के लिए कस्टमरी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई चीज अगर यूजुअल है या ट्रेडिशनल तौर पर हमेशा होती है, जैसे हमारे घर पे हर साल दिवाली पे पूरा परिवार एकत्रित होता है, एक पूजा होती है, इसके बाद सब खाना पीना खाते हैं, ये हमारे घर का कस्टमरी कल्चर है। मतलब क्या, सारा परिवार एक साथ हमारे यहाँ पे इकट्ठा होता है। जैसे गर्मियों में, सर्दियों में नानी जी का घर सबसे बेस्ट प्लेस होता है, जहाँ पे हम सब जाके क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, साल भर का सारा वहाँ पे कहते हैं लेखा जोखा वहाँ डिसाइड होता है। तो कस्टमरी का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी यूजुअल, विच इज वेरी ट्रेडिशनल। रिलेट कैसे करेंगे, डाउरी सिस्टम इज कस्टमरी, यस, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द नेशन, यस, बिल्कुल बोल सकते हैं प्रभु जी। देखो, शी इज नॉट हर कस्टमरी सेल्फ टूडे, मतलब वो अपने यूजुअल सेल्फ में आज नहीं दिख रही है, बहुत एनर्जेटिक, मे बी शायद आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल हु इज वेरी एनर्जेटिक, हु इज वेरी लाइवली, लेकिन आज वो अपने कस्टमरी सेल्फ में नहीं दिख रही, मतलब आज वो अपने यूजुअल खुशहाल सेल्फ में हमें नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज हैकल्स, वेरी न्यू वर्ड्स टूडे, बहुत ध्यान देना है आज आप लोगों को, पेन पेपर लेके सब बैठना भैया। अब ये पढ़ाना से ज्यादा हमें इसको लिखने में मजा आ रहा था, इसका मीनिंग हिंदी में आया है बोटी बोटी कर देना, ठीक है, मतलब क्या करना, मतलब कहते हैं ना कटर कटर करके बोटी बोटी कर देना, तो बोटी बोटी करना हिंदी में आया था इसका हैकल्स वर्ड, लेकिन हैकल वर्ड एक्चुअली निकलता है आप लोगों का हेयर ऑन एनिमल्स, जो आपने हॉर्स का देखा है, हॉर्स के बैक के पीछे काफी सारे हेयर होते हैं, और ओरांगुटांस के होते हैं, ऐसे जो हेयर होते हैं एनिमल्स के, जब वो गुस्सा होते हैं तो उनके सारे हेयर्स खड़े हो जाते हैं, ठीक है, गुस्सा होंगे या डर जाएंगे अचानक से तो वो खड़े हो जाते हैं, उसे हम हैकल्स कहते हैं, ठीक। अब इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखो हमने लिखा है, ही कुड फील द हेयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज नेक स्ट्राइकिंग स्टरिंग लाइक हैकल्स ऑफ अ डॉग, उसको ये महसूस हो रहा था कि उसके अंदर इतना गुस्सा, इतना आक्रोश, इतना इतना चिड़चिड़ मच रहा है उसके अंदर, कि ही कुड फील द हेयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज नेक, कि वो अपने नेक पर अपने हेयर्स को खड़ा होता हुआ महसूस कर पा रहा था, इसी को हम कहते हैं हैकल्स। ओके, इप्सिता पात्री हैज जस्ट आस्क्ड वन क्वेश्चन, मैम आयरन आउट का मतलब क्या होता है? मैम आयरन आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इवन कर देना, अगर आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट है तो उसे साफ कर देना, मतलब उसे एकदम कहते हैं ना इसको एक जैसा कर देना, डिस्प्यूट मिटा देना, जैसे कपड़ों में सीकन पड़ती है तो आयरन करने से जैसे सब ठीक हो जाता है, आयरन आउट का मतलब भी होता है चीज़ों को सुधार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट वर्ड आपके लिए है, दैट इज एम्बेडेड, किसी भी चीज में घुसा हुआ रहना, आपके दिमाग में एम्बेडेड अगर है कि हमें पीओ बनना है, हमें क्लर्क बनना है, हमें कैग ऑफिसर बनना है, तो आप बनेंगे। एम्बेडेड का मतलब होता है अंत स्थापित, जो आपके इनर सेल्फ में अंत स्थापित हो। अब एम्बेडेड ये भी हो सकता है कि अगर हम कहते हैं हमारे मग पे किसी चीज को हमने जेम्स को या जड़ाऊ स्टोन्स को हमने इसमें चिपका के रखा है, वो भी एम्बेडेड होता है। राजा महाराजाओं के थ्रोन पे जो स्टोन चिपकाए जाते थे उन्हें भी हम एम्बेडेड कह सकते थे सेंटेंस में, समझ आया? देखो, फिक्स्ड फर्मली या इम्प्लांटेड, अगर किसी चीज़ को हम फर्मली कहीं पे फिक्स कर देते हैं या इम्प्लांट कर देते हैं तो हम इन्हें यहाँ पे एम्बेडेड कहते हैं, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अ सेंस ऑफ गिल्ट वॉज एम्बेडेड इन माई कंसाइंस आफ्टर लाइंग टू माई मदर, मेरे अंदर में एक सेंस ऑफ गिल्ट भर गया था, या फिर मेरे अंदर सेंस ऑफ गिल्ट जो है वो अंदर तक घुसता चला जा रहा था जब मैंने ये रियलाइज किया कि मैंने अपनी मदर से झूठ बोला, तो इट वॉज एम्बेडेड, मतलब वो मेरे अंदर भरता चला जा रहा था, हमें बुरा लग रहा था। ओके, आत्मा प्रकाश जी ने लिखा है, आई हैव अ हैकल्स when I accidentally touch current, I had hackles, लिख सकते हो आप, बिल्कुल सही है, very nice, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो next word है that is obviated, obviated का मतलब होता है दूर रहना, लेकिन obviated का मतलब ये भी होता है किसी चीज को हटा देना, preclude करना,
प्रिवेंट करना, रोकना, या फिर किसी चीज से खुद को रहित कर देना, कहते हैं ना गेट रिड ऑफ समथिंग, उसे भी हम ऑब्विएट कह सकते हैं हमारे सेंटेंस में। याद रखना इसका इस्तेमाल सेंटेंस में किसी भी चीज को अलग रखने से किया जा सकता है। दुर्घटना से कहते हैं ना दुर्घटना से देर भली जैसे कहते हैं कि इससे बेहतर है कि आप देर कर दो लेकिन दुर्घटना ना करो, है ना। यूजिंग सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग कैन ऑब्विएट डिजास्टर। और ये आर्टिकल, ये लाइन लिखने पे हम मजबूर हो गए क्योंकि लास्ट 3 दिन से हम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर और मैन मेड एक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो ऑब्विएट का मतलब ये भी कहा जा सकता है कि हम किसी भी एक्सीडेंट को, आई कैन गेट रिड ऑफ एन एक्सीडेंट, आई कैन प्रिवेंट एन एक्सीडेंट, आई कैन प्रिक्लूड एन एक्सीडेंट, और आई कैन रिमूव something harsh, something bad, only by precaution. आप प्रिकॉशन रख लीजिए, आप किसी भी डेंजर से अपने आप को ऑब्विएट रखेंगे, मतलब आप कैसे रखेंगे, अपने आप को अलग थलग रखेंगे, यू कैन गेट रिड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट्स, राइट। तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए भी ऑब्विएट वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल सेंटेंस में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वर्ड जो आपके सामने है दैट इज क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब, वैसे आज स्टूडेंट्स खुद ही लिख के दे रहे थे जब सर आर्टिकल पढ़ा रहे थे, और हमें देख कर ये मतलब कह रहे ना दिल से तसल्ली और खुशी हो रही थी। यस, क्रीपिंग वर्ड का मतलब होता है स्लोली स्लोली चलना। किसी से बचने के लिए भी क्रीपिंग वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर ग्रोइंग अलोंग द सर्फेस। अगर मान लो ये दीवार है, ये आपको दिख रहा है एक दीवार है, और दीवार के ऊपर भी कोई चीज ग्रो कर रही है दीवार के सहारे, उसे भी क्रीपिंग कहा जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, ये वाला जो ग्रोथ होता है ये स्लो होता है, थोड़ा थोड़ा डेवलपिंग, मूविंग स्लोली स्लोली, ठीक है। हम क्रीपिंग वर्ड को देखो कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम क्रीपिंग वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं मूवमेंट के लिए, हम क्रीपिंग वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे मन में पल रही भावनाओं के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने लिखा है वी आर अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ क्रीपिंग डिक्टेटरशिप। हम किसी भी डिक्टेटरशिप को बढ़ने के अगेंस्ट है, मतलब क्रीपिंग का यहाँ पे मीनिंग आ जाएगा डेवलपिंग डिक्टेटरशिप। हम सारे लोग, आप, हम, हमारा पूरा नेशन डिक्टेटरशिप को बढ़ने नहीं देगा। सो वी आर अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ क्रीपिंग डिक्टेटरशिप। क्या ये सभी को क्लियर हो गया है एवरीवन? अगर आपको क्लियर है तो सेशन को लाइक करते चले जाइए ताकि पता चल जाए आप लोगों को पसंद आ रहा है, और इसे जितना हो सके उतना शेयर करते चले जाओ, बस इतना कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अनरिडल्ड। आज हमने कहा था ना बहुत सारे नए वर्ड्स हैं हिंदू वोकैबुलरी में। अनरिडल्ड का मतलब होता है निरंकुश, अनकंट्रोल्ड, अनरेस्ट्रेंड। वैसे हम तो चाहते हैं कि आप सारे लोगों के अंदर का पैशन अनब्रिडल्ड हो, अनकंट्रोलेबल पैशन हो, ताकि उसमें आग जो चल रही है ना कि हमें कुछ बनना है वो कभी खत्म ना हो। बट ये नेगेटिव तरीके से भी इस्तेमाल सेंटेंसेस में किया जा सकता है। हमने लिखा है After success, the tears to come will be of unbridled joy. याद रखिएगा, success के बाद जब रोते हैं ना इंसान, तो वो जो joy होती है, that is an unbridled joy. Unbridled joy मतलब कैसी? Uncontrolled, unrestrained joy. हम भी चाहते हैं कि आप लोग जरूर रोएं, लेकिन जब रोएं तो फिर success के tears हों वो, बस और कुछ नहीं, है ना। Life में अगर रोना तो जब भी रोना, खुशी के आंसू रोना, कभी भी कुछ बुरा हो तो उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। सेटबैक्स आएंगे फिर खड़े हो जाइए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, डिट्रैक्टर्स। अच्छा, आपके सबसा, आपके लाइफ का एक ऐसा पर्सन का नाम यहां पे लिखकर बताइए जो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा क्रिटिक है, जो आपको सबसे ज्यादा टोकता है कि तुम यहां गलत हो, तुम वहां गलत हो, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। ये डिट्रैक्टर्स होते हैं। डिट्रैक्टर्स का मतलब होता है आपके कट्टर विरोधी, इनका मतलब होता है आपके कट्टर विरोधी। ये लोग क्रिटिक्स भी हो सकते हैं, डिस्पराजर भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, क्रिटिक भी हो सकते हैं, डिस्पराजर भी हो सकते हैं, ये तो खैर सिनोनिम में चला जाएगा। लेकिन आप हमें बस उस पर्सन का नाम लिख के भेजिए जो आपके जिंदगी का डिट्रैक्टर है, मतलब वो आपकी जिंदगी को आउट ऑफ ट्रैक समझता है, आपको उस लायक नहीं समझता है। लेकिन याद रखिएगा, मम्मी आंसर सबसे पहले, सारे लोगों का आंसर मम्मी है। यस, योर मदर इज योर बेस्ट डिट्रैक्टर। वो आपको लिटरली समझा सकती हैं, कोई किसी के भैया होंगे, किसी की मदर होंगे, फटाक से ये बताना आपकी जिंदगी का डिट्रैक्टर कौन है। आप हमें बस इतना बता दीजिए, आपको ये वर्ड कभी नहीं भूलेगा। डिट्रैक्टर्स आ विरोधी, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमेशा। वो आपको जरूर कुछ ना कुछ सिखा के चले जाएंगे, उनकी बात आज समझ में नहीं आएगी लेकिन शायद 2 साल बाद समझ में आ जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हिज डिट्रैक्टर्स क्लेम। हमने खैर इसको नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल किया है, हिज डिट्रैक्टर्स क्लेम दैट हिज शॉर्ट टेंपर मेक्स हिम अनफिट फॉर लीडरशिप।
उसके जितने भी क्रिटिक हैं, उसके जितने भी कट्टर विरोधी हैं, उनका ये मानना है क्योंकि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब क्या होता है, गुस्से वाला होता है, दे मेक हिम अनफिट फॉर लीडरशिप, वो सारे लोग उसे अनफिट मानते हैं, इसी वजह से वो लीडरशिप नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है कॉल्ड्रन। कॉल्ड्रन, अगर कोई भी प्लेस पढ़ने के शौकीन है, नॉवेल्स पढ़ने के शौकीन है, तो ये वर्ड आपने ज़रूर पढ़ा होगा। कॉल्ड्रन का मतलब होता है एक तरह की कढ़ाई, ये एक तरीके का पॉट होता है जिसको आप आग के ऊपर रखते हैं और इसमें बहुत सारे मिक्सचर्स को हम अलाइन करके क्या करते हैं, कुछ खाना पकाते हैं। वैसे कॉल्ड्रन जो होता है वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बनता है। ये नेगेटिव भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे विचेस करती हैं, विचेस मतलब यस आई एम टॉकिंग अबाउट चुड़ैल, ठीक है। विचेस जो इसको माना जाता है कि वो लोग भी कॉल्ड्रन प्रिपेयर करती हैं बाय स्नेक का उसमें टेल होगा, लिजर्ड का टेल होगा या फिर मंकी का पॉ होगा, ऐसी चीज़ों से भी मिक्सचर जो बनाते हैं जो विचेस यूज करती है उसे कॉल्ड्रन कहा जाता है, नहीं तो ये एक तरीके की खिचड़ी पकाने वाला बर्तन है। देखो, लार्ज राउंड कंटेनर फॉर कुकिंग प्लेस्ड ओवर फायर, जनरली ये एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम फायर के ऊपर रखते हैं ताकि हम कुछ बना सकें, समझ में आया। वैसे ये एक तरह की कढ़ाई भी होती है। हम इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं सेंटेंस में, बहुत आसान सा वर्ड है, लिख देना, लाइटिंग द ओलंपिक कॉल्ड्रन इज मैटर ऑफ प्राइड फॉर एनीवन, किसी के लिए भी ओलंपिक का जो कॉल्ड्रन है, जो कढ़ाई जिसमें ओलंपिक की आग जलती है, मशाल जिसे हम कहते हैं, मशाल, वो किसी के लिए भी मैटर ऑफ प्राइड हो सकता है। हमने इसे पॉजिटिव इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसे नेगेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब होता है, जैसा आज हमने आर्टिकल पढ़ा था जिसमें वो बोट जो है वो ओवरटर्न कर गई थी, कैप्साइज का मतलब होता है टू टर्न एनीथिंग व्हिच इज अपसाइड डाउन या एनीथिंग ओवरटर्न इनटू वाटर। भैया सेशन आज इतना अच्छा लग रहा है, इतना पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक और शेयर भी करते चले जाइए। आगे बढ़ती है, इसका रिलेट कैसे कर सकते हो, आप लिख सकते हो, व्हेन द बोट कैप्साइज वी वर ट्रैप्ड अंडरनीथ इट। जैसे ही बोट कैप्साइज हुआ, कैप्साइज का मतलब ऐसे समझना ढक्कन, ठीक है। अब ये ढक्कन कैसा होता है, अपसाइड डाउन होता है ना, ढक्कन कैसा होता है, अपसाइड डाउन। तो बस आप ऐसे याद रखिएगा कि ढक्कन से कैप्साइज वर्ड याद आएगा, कैप से कैप्साइज, कैप क्योंकि अपसाइड डाउन होता है, मतलब कोई भी चीज बिल्कुल पलट चुकी है, कोई भी चीज बिल्कुल गिर चुकी है, बस बहुत आसान से याद हो जाएगा। हमने लिखा है जब बोट अपसाइड डाउन हो गई तो हम उसके नीचे ट्रैप हो गए। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज एग्रेशिया। अरे भैया देखो, आज कहा था कि बहुत सारे नए नए वर्ड्स हैं, एग्रेशिया का मतलब होता है अनुग्रह, लेकिन ये एक तरीके का कहते हैं ना मॉरल सेंस होता है, जहां पे आप पेमेंट करते हैं किसी भी डिजास्टर के बाद। एग्रेशिया का मतलब होता है एग्रेशिया, भैया बोलते चले जाएगा, वर्ड्स याद भी चले होते जाएंगे। एग्रेशिया मींस, वैसे आज हमें पता है आज का जो दो तीन वर्ड्स आप कभी नहीं भूलेंगे वो हो जाएगा आप लोगों का अनब्रिडल्ड, डिट्रैक्टर्स और कॉल्ड्रन, कैप्साइज भी याद हो जाएगा। एग्रेशिया तब हुआ होता है जब आप किसी भी चीज के लिए हेफ्टी पेमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको पता है कोई कहीं दुर्घटना हो गई है, After the train accident, the government announced a hefty ex gratia as compensation. इस ट्रेन एक्सीडेंट के बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस करा एक बहुत भारी भरकम ex gratia, भारी भरकम अमाउंट, ये एक तरीके का पेमेंट होता है as compensation. I hope आज का आर्टिकल और वो कैब डिस्कशन आप सबको बिल्कुल क्लियर समझ में आया है, समझ में आया है तो बस लाइक एंड शेयर। आगे बढ़ते, बाय एंड बाय, स्लो एंड स्लो, ग्रेजुअली, आज का आर्टिकल हमने आपको डेडिकेट कर दिया है फ्रेजेस एंड idioms के सेशन में। देखो इसमें लिखा है, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन एडिटोरियल अपडेट्स saw a by and by improvement in vocabulary. जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ एडिटोरियल अपडेट्स का हिस्सा बनते हैं उनमें हमने प्रोग्रेस देखी है बाय एंड बाय, मतलब स्लोली एंड स्लोली, ग्रेजुअली आप सारे लोगों में इंप्रूवमेंट देखा गया है। कौन से सेक्शन में? वोकैबुलरी। तो बाय एंड बाय का मतलब होता है स्लोली, धीरे धीरे या फिर ग्रेजुअली। क्लियर है सभी को? यस लिखते चले जाइएगा अगर क्लियर होता चला जा रहा है तो। बस आगे बढ़ते हैं, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को कंप्लीटली टेम्पररीली या परमानेंटली बुझा देना, इट मींस टू एक्सटिंग्विश एनीथिंग। हेल्पर ऑफ रॉन्ग डीड ऑफ क्राइम कहते हैं ना, पार्टनर्स इन क्राइम। तो पार्टनर्स इन क्राइम अगर हैं और आप सारे लोग मिलके एक साथ पार्टनरशिप में क्राइम कर रहे हैं या किसी भी गुनाह को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें कहा जाएगा एकम्प्लिस। एकम्प्लाइस वो लोग होते हैं जो लोग एक दूसरे के साथ किसी भी प्रॉब्लम्स में या प्रॉब्लम क्रिएट करने में एक दूसरे का साथ देते हैं, जैसे भाई बहन एकम्प्लाइस हो सकते हैं। वी आर ऑलवेज पार्टनर्स इन क्राइम, है ना, सिबलिंग्स हमेशा पार्टनर्स इन क्राइम हो सकते हैं। चलो अब इसको याद रखना कैसे है, याद रखिएगा पार्टनर का मतलब एकम्पनी करेगा, मतलब एक साथ रहेगा, एकम्पनी वर्ड से एकम्प्लाइज याद रखिएगा, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। आगे,
एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। एम्बी का मतलब होता है एक तो सराउंडिंग और दूसरा होता है बोथ। बोथ मतलब राइटिंग विद बोथ हैंड्स, तो इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड विद बोथ योर हैंड्स इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड टुडेस सेशन, यू पीपल वर ब्रिलियंट टुडे, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, चलिए बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल डिस्कशन के लिए, लेकिन मैम के इस वंडरफुल एक्सप्लेनेशन के लिए भैया एक लाइक तो बनता है, क्योंकि लाइक ही वो चीज है जिससे हमें पता चलता है कि आपको इस सेशन के बारे में या सेशन को देखकर कैसा फील हो रहा है। तो जैसा भी फील हो बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिए, बिल्कुल ऑनेस्टली आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको बुरा लगता है तो। अब बात कर लेते हैं इसराइल और पाकिस्तान के टाइप्स को लेकर, लेकिन ये आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर मैं इसराइल की हिस्ट्री को भी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि इसराइल जो कि पहले ना के बराबर एक कंट्री हुआ करता था, जो कि आप येलो कलर में देख सकते हैं 1946 में, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर देखिए इसराइल जो कि येलो कलर से आपको नजर आएगा, जिसने पूरे फिलिस्तीनी स्टेट पर कब्जा कर लिया है एक तरह से आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आने से पहले कुछ जरूरी बातें यहां पर डिस्कस करेंगे और आज एक ऐसा मुद्दा आप सीख कर जाएंगे, इसराइल फिलिस्तीन मुद्दा क्या है, क्यों ये लड़ते झगड़ते रहते हैं और किस तरह से इसराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया, पूरा मुद्दा आज आपको क्लियर हो जाएगा 5 से 8 मिनट के अंदर, तो कहीं जाइएगा मत। रिसेंटली इजरायली एंड पाकिस्तानी स्कॉलर्स एंड ओपिनियन मेकर्स अपीयर टू हैव स्पेक्युलेटेड अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ टू स्टेट्स एस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक टाइज, यानी कि कूटनीतिक रिश्तों की पहल की गई है, दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध हो इस पर बात की गई है। पाकिस्तान और इसराइल ने हाल ही में, उनके जो पॉलिसी मेकर हैं, ओपिनियन मेकर हैं और स्कॉलर्स हैं, उन्होंने हाल ही में ये मीटिंग भी की है। दिस हैज कास्ट fresh light on the changing dynamics in the region. बिल्कुल ये dynamics बिल्कुल change हो रहे हैं कि इसराइल के साथ पाकिस्तान का मेल मिलाप और उनका सहयोग, and Israel's growing diplomatic reach and success, और इसराइल की जो diplomatic कूटनीतिक रिश्ते हैं वो दुनिया के दूसरे countries के साथ भी बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर इसराइल की, जो आपको यहाँ पर orange color का पूरा area नजर आ रहा है मेडिटेरियन सी के किनारे, ये जो पूरा ऑरेंज कलर का एरिया है और ये है आपका डेड सी, ये इसके बीच का पूरा ऑरेंज कलर का जो एरिया है वो आपका इसराइल है। इसराइल की कैपिटल की हम लोग बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो जेरूसलम है, जो कि आपको यहाँ पर नजर भी आ रही होगी, स्टार जहाँ पर बना हुआ ये जेरूसलम है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, पहली चीज़ तो यहाँ पर समझ लेते हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर करंट में है बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रेसिडेंट हैं रेविन रेवलिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नाम आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, जबकि लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं, आधिकारिक भाषा की बात करते हैं, तो यहाँ की आधिकारिक भाषा है हिब्रू, यहाँ के लोग आपके हिब्रू भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। मैडम काफ़ी यहाँ पर हंसती हुई नजर आ रही हैं, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप महिंद्राज के साथ हैं और आप सभी देख रहे हैं महिंद्रा को। करेंसी भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो न्यू सेकिल यहाँ की करेंसी का नाम है, याद रखेंगे। अब ये तो हुई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दी इसराइल, जिसकी कैपिटल है जेरूसलम। इसराइल और फिलिस्तीन का संबंध कुछ खास अच्छा नहीं रहा। बात करें अगर फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन 1946 में आप देख सकते हैं फिलिस्तीन का एक एरिया है 1946, याद रखिएगा, इसी के एक साल बाद भारत को आजादी मिली थी। यहां पर येलो कलर के आप जो मार्क देख रहे हैं, ये धीरे धीरे इसराइल या इसराइल के जो ज्यूस लोग हैं उनका धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ता है, ठीक है। और 1947 में यूएन एक प्लान लेकर आया, क्योंकि यहां के इस देश के भीतर गृह युद्ध और बहुत सारी टेंशंस क्रिएट हो रही थी। 1947 में प्लान ये हुआ कि जो येलो कलर का आप यहां पर एरिया देख रहे हैं पूरे मैप में, ये इसराइल नाम दिया गया, जबकि ग्रीन कलर का जो आप एरिया देख रहे हैं इसे जेरूसलम नाम दिया गया। आपको एक ऐतिहासिक एरिया की तरफ लेकर जाना चाहूंगा, इस हिस्से में आपकी गाजा पट्टी भी है, यानी कि गाजा पट्टी के हिस्से को आप देख सकते हैं, बहुत ही नैरो स्ट्रिप से जेरूसलम के साथ जोड़ा गया था। यानी कि यूएन में जब ये मुद्दा पहुंचा तो भारत और पाकिस्तान की तरह इनका मुद्दा भी वहां पर पहुंचता है, और वहां पर जेरूसलम और इसराइल को कुछ इलाके दे दिए गए और जेरूसलम को एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप से जोड़ दिया गया। लेकिन 1949 से लेकर 1967 के बीच में आप देख सकते हैं कि गाजा पट्टी, जो कि आपको यहां पर नजर आएगी, यह पूरी तरह से कट चुकी थी जेरूसलम से, और यहां की कैपिटल जेरूसलम की अगर इसराइल की हम बात करें तो तेल अवीव यहां की राजधानी उस समय हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फिलिस्तीन की जो कैपिटल है यरूशलेम उस पर अधिकार कर लिया। और करंट सिनेरियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देख सकते हैं
पूरा यहां पर जो येलो कलर का एरिया है वो इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया है, और यहां की राजधानी जो की है जेरूसलेम, इस पर भी जो आपकी इजरायली आर्मी है उन्होंने यहां पर कब्जा कर लिया है। तो पिछले कुछ सालों में, पिछले 50 से 70 सालों में किस तरह से इजराइल के लोगों ने फलस्तीन पर कब्जा किया है, और धीरे धीरे उसका निशान, क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ ही हिस्से अब यरूशलेम के अंडर, सॉरी फिलिस्तीन के अंडर में रह गए हैं, और एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका नाम है गाजा पट्टी। और गाजा पट्टी के बारे में आप कई बार सुनते होंगे कि गाजा पट्टी पर अटैक हो गया, वहां पर मिसाइलों से हमला किया गया, यानी कि गाजा पट्टी और पूरा जो फिलिस्तीन का एरिया है पूरी तरह से बिल्कुल अलग थलग हो चुके हैं, और कोशिशें अब ये हैं कि इस हिस्से को भी इसराइल में मिला दिया जाए। तो ये रही यहां तक की पूरी हिस्ट्री बिल्कुल। और दोस्तों आप सभी को मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, और मुझे लगता है ये मैं कैसे भूल गया, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो उनका आज 69th जन्मदिन भी है, तो मेरी तरफ से और आप सभी की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामना। वैसे मुझे ये सबसे पहले करना चाहिए था, माफी चाहूंगा आप सभी से और अपने प्राइम मिनिस्टर से कि मैंने इतनी देर से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, लेकिन आज उनका दिन है और मैंने आपको बता दिया है। फिलिस्तीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिलिस्तीन भी आप देख सकते हैं, जो अभी आपको ऑरेंज कलर का एरिया नजर आएगा ये भी फिलिस्तीन है, और फिलिस्तीन की भी कैपिटल आपकी यरूशलेम है। सर दोनों ही देशों की एक ही कैपिटल यरूशलेम कैसे हो सकती है? बिकॉज यरूशलेम कैपिटल हुआ करती थी फिलिस्तीन की, जिस पर अटैक करके या यू कहे कब्जा कर लिया इसराइल ने, और यरूशलेम का बस एक पूर्वी हिस्सा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर अभी भी जो फिलिस्तीनी है उनका वर्चस्व कायम है, इस वजह से ये दोनों ही देशों के बीच में कैपिटल है। गाजा पट्टी आप देख सकते हैं, गाजा स्ट्रिप जिस पर हमेशा वाद विवाद छिड़ा रहता है, बना रहता है। अब बात करते हैं इसराइल के बारे में, यहां तक का एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर लगा हो या समझ आया हो तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा कि हाँ सर सारी बातें यहां पर आपने समझा दी हैं कि कैसे क्या हुआ, एक ऐतिहासिक जो कहानी थी वो आपने हमें समझा दी है। एवर सिंस इसराइल फाउंडिंग इन 1948, 1948 में इसराइल की स्थापना होती है, हम 1947 में आजाद हुए, इट हैज बीन एंडेवर ऑफ द ज्यूइश स्टेट टू ओवरकम इट्स रीजनल आइसोलेशन एंड एनहेंस डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इन मैनी कंट्रीज एज पॉसिबल। 1948 में इस देश की स्थापना होती है, और इसके बाद इस पर्टिकुलर ज्यूइश स्टेट ने धीरे धीरे अपने आइसोलेशन, अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठकर, रीजनल टेंशन से ऊपर उठकर दूसरी दुनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना शुरू किया। अपार्ट फ्रॉम दी टर्की इन 1949, इजिप्ट यानी कि मिस्र इन 1979 एंड जॉर्डन इन 1994, नन ऑफ दी स्टेट्स इन द रीजन हैव रिकॉग्नाइज्ड इसराइल। इसराइल नामक देश को मान्यता देने वाले शुरुआती तीन देश आपके सामने हैं, टर्की है, इजिप्ट है और जॉर्डन है। इन देशों के अलावा उस रीजन के किसी भी दूसरे देश ने कभी भी इसराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी। इनफैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे हम IOC के नाम से जानते हैं, रूटीनली ऑफिलरीज इसराइल फॉर इट्स ऑक्यूपेशन ऑन दी फिलिस्तीनियन लैंड्स। हमेशा IOC नामक जो संगठन है उसने हमेशा इस बात की निंदा की है, फिलरीज का मतलब है निंदा करना, उस पर कटाक्ष करना, कि उन्होंने जिस तरह से फिलिस्तीन की जमीन को हत्याया है, उस पर ऑक्यूपाई किया है, उसकी हमेशा निंदा हुई है। कभी भी इसराइल को उन्होंने नहीं अपनाया और ना ही इसराइल को कभी एक देश माना। इंडिया इसराइल के लिंक्स की यहां पर बात कर लेते हैं। इंडिया एस्टेब्लिश्ड फुल डिप्लोमेटिक टाइज, भारत ने पूर्ण तरीके से वहां पर कूटनीतिक संबंध इसराइल के साथ बना रखे हैं, और इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 1992 में, पहली बार इसराइल के साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस वहां पर बने थे। व्हाइल मेनी फैक्टर्स बॉट दीज टू डेमोक्रेसीज टुगेदर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन दोनों लोकतंत्रों को एक साथ लेकर आती हैं। एक बार अभी आपने देखा भी होगा कि मित्रता दिवस के दिन पर इसराइल की तरफ से गाना भी रिलीज किया गया था कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वहां के लोग हिब्रू भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां के जो राजदूत थे उन्होंने इसका पूरा हिंदी में वो किया, तो आप समझ सकते हैं भाई दोस्ती कितनी गहरी है। इट इज अ फैक्ट दैट बोथ हैव सक्सेसफुली टैकल स्टेट सेंट्रिक थ्रेट्स थ्रू आउट देयर हिस्ट्री। दोनों ही देशों के बारे में एक बात यहां पर बिल्कुल सही है कि 1948, 1967 और 1973 में पूरे अरब ओपोजिशन, पूरे अरब कंट्रीज के द्वारा कंबाइनली इन पर अटैक किए गए थे बार बार लगातार, और एक दौर ऐसा आया था जब इसराइल एक था और अटैक करने वाले कंट्री थे 11, और सफलतापूर्वक 11 देशों के अटैक को वहां पर डिफेंड किया था इसराइल ने, इसलिए इसराइली आर्मी को दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। और हम सभी भी जानते हैं कि पाकिस्तान से, पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद और भारत के आज़ाद होने के बाद कन्फ्लिक्ट जो है पार्टीशन के बाद वो भी भारत ने बहुत झेले हैं, और 1947 के बाद अगर हम देखें और चाइना को हटा दें तो 4 बार पाकिस्तान ने ही आक्रमण किया है, तो भारत ने भी सफलतापूर्वक अपने ऊपर किए गए आक्रमण को वहां पर डिफेंड किया है। तो ये एक सिमिलैरिटी है दोनों ही कंट्रीज के बीच में।
While Israel established diplomatic ties with China at the same time as with India, जनवरी 1992 में इसराइल ने भारत के साथ भी कूटनीतिक रिश्ते बनाए, लेकिन चाइना के साथ भी उसी समय कूटनीतिक रिश्ते बनाए. Their relations have been primarily limited. लेकिन उनके चाइना के साथ जो संबंध है वो लिमिटेड है, और जो उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अमेरिकन एम्बार्गो की वजह से, एम्बार्गो का मतलब होता है एक तरह से प्रतिबंध लगाना, सेलिंग सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम टू दी बीजिंग, क्योंकि बीजिंग को वो अपने बेहतरीन आर्म्स को नहीं सेल करना चाहते, अमेरिका ने उन पर एम्बार्गो लगाया. इसराइल हाउएवर expanding its arm sales to India and to countries in the Southeast Asia. तो बिल्कुल अमेरिकन एम्बार्गो चीन पर लगाया गया है लेकिन भारत पर नहीं और साउथ एशिया के किसी कंट्री पर नहीं. तो इसी वजह से इसराइल और इसराइल के जो वेपन्स हैं वो भारत और भारत के आसपास के पड़ोसी मुल्क खरीद भी रहे हैं. इंडिया हैज सक्सेसफुली वॉक अ टाइट रोप बिटवीन द इसराइल एंड फिलिस्तीन. हम सभी जानते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में काफी टेंशन रहती है. तो जिस तरह से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में भारत ने भी एक टाइट रोप के बीच में सफलतापूर्वक अपने रिश्ते कायम कर रखे हैं, क्योंकि फिलिस्तीन का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी मोदी जी को दिया गया था. तो आप समझ सकते हैं दोनों ही देशों के साथ जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन है उनके साथ हमारे बेहतरीन संबंध है. इसराइल में वेल होप टू सून बिकम, मतलब इसराइल भी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के क्रम में भी वो कुछ ऐसी ही बात रखे और इसी तरह के रिश्ते कायम रहे. It is not Israel's interest to seek diplomatic ties with a state-sponsored terrorism or state-sponsored terrorism, क्योंकि पाकिस्तान एक state-sponsored terrorism country है, तो उस पर भी diplomatic रिश्ते जो हैं वो उतना असर नहीं करेंगे और उनको आतंकवाद को खत्म करने में मदद भी मिलेगी. While it is a sovereign right of the nation state to decide such matters, it appears that the idea of diplomatic ties between Israel and Pakistan remains for now a pie in the sky. यानी कि बिल्कुल हम सभी इन दोनों ही कंट्रीज के पास ये राइट्स हैं. जरा फेस टू फेस ले आइएगा टेक्निकल टीम कि वो अपने ही जो भी डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, अपने डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं उनको अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि भारत और इसराइल के रिश्ते पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. और मैं एक बहुत छोटा सा वाक्य आपको जल्दी से यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसराइल की यात्रा पर थे और इसराइल के बाद वो फिलिस्तीन की यात्रा पर पहुंचे, तो देखिए दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत दुश्मनी है, लेकिन जब मोदी जी ने कहा कि उन्हें फिलिस्तीन जाना है तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जिनसे उनकी काफी अच्छी मित्रता है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि आप फिलिस्तीन जाएंगे लेकिन जो सिक्योरिटी होगी वो हमारी होगी, जो हेलीकॉप्टर होगा वो हमारा होगा और एक बहुत ही टाइट सिक्योरिटी जिसमें करीब करीब 10 के आसपास सिक्योरिटी पर्सनल शामिल थे इसराइल की आर्मी के और इंडियन आर्मी के भी, और उन्हें लेकर वो फिलिस्तीन जाते हैं. यानी कि भारत का प्रधानमंत्री इसराइल पहुंचता है और भारतीय सिक्योरिटी गार्ड्स वहीं रुकते हैं, इसराइल के सिक्योरिटी के साथ वो फिलिस्तीन जाते हैं, वहां का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त करते हैं और वापस इसराइल से भारत हिंदुस्तान लौट आते हैं. तो आप दोस्ती का अंदाजा लगा सकते हैं हिंदुस्तान और इसराइल के बीच में. चलिए सेशन पसंद आया है अगर तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट एज मच एज पॉसिबल, शेयर कर दीजिए जितना हो सके. आपका काम सिर्फ 10 लोगों तक पहुंचाना हर स्टूडेंट का. सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल और नेक्स्ट सेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ. रीजनिंग मेंटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको सिर्फ उनका साथ देना है. चलिए तो बस रीजनिंग गुरु आपके आ चुके हैं, मिलते हैं आप कल सुबह 8 बजे आप सभी के साथ इस सेशन को देखने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद.